ट्रू कॉलर पर लाल स्ट्रिप में दिखेगा संदिग्ध नंबर, नया एंटी फ्रॉड फीचर सर्च कॉन्टेक्स्ट रोल आउट। कंपनी ने नया आइकन और लोगो भी लॉन्च किया। ट्रू कॉलर ने बुधवार 20 सितंबर को रीब्रांडिंग करते हुए ऐप का नया आइकन और लोगो लॉन्च किया है। एंड्रॉइड के गूगल प्ले स्टोर और एप्पल के ऐप स्टोर में यह बदलाव तुरंत दिखाई देने लगा है। कंपनी ने अपडेट रोल आउट करके ऐप का नया आइकन अपडेट कर दिया है। रीब्रांडिंग के साथ ही कंपनी ने नया एंटी फ्रॉड फीचर सर्च कॉन्टेक्ट रोल आउट है। इसकी मदद से ऐप में नंबर 3 कलर कैटेगरी में दिखाई देंगे। रिसेंटली नाम चेंज करने वाले यूजर्स का नंबर नीले कलर की स्ट्रिप के साथ दिखाई देगा। ऐप में कई बार नाम बदलने वाले यूजर्स का नंबर पीले कलर की स्ट्रिप के साथ दिखाई देगा। पिछले 7 दिनों में 3 से अधिक बार नाम बदलने वाले यूजर्स का नंबर लाल कलर की स्ट्रिप के साथ दिखाई देगा। यह संदिग्ध कैटेगरी में आएंगे जिसमें वार्निंग लिखा दिखाई देगा। तीनों कलर की स्ट्रिप में कॉलर नंबर के बारे में जानकारी भी लिखेगी। ट्रू कॉलर के को फाउंडर और CEO एलन ममेदी ने कहा, हम अपने ब्रांड की पहचान और नए लोगों के लिए उत्साहित हैं। यह हमारे यूजर्स के प्रति हमारी निरंतर प्रतिबद्धता, लगातार विकसित होने और सुधार करने पर हमारे फोकस को दर्शाता है। हमारा मिशन सभी के कम्युनिकेशन को प्रोटेक्ट करना है। ट्रू कॉलर ने पिछले 14 सालों से कॉलर आइडेंटिफिकेशन के रूप में पहचान बनाई है, जो मार्केट लीडर भी है।